हेलो एंड गुड इवनिंग। सौरभ, आशा, जूही, जाकुला, राकेश, सैंडी, सुखचैन सिंह, सोफिया, विजय चावला, स्वाति, कवलजीत, गुड इवनिंग। आप सब बढ़िया कर रहे हैं? सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? हेदी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? गुड इवनिंग प्रिंस। सब मुझे सुन पा रहे हैं? ममराज, चलिए आज का सेशन हम चालू करेंगे। आज हमारा 39 नंबर का लेक्चर है। यहां पर हम इंडिपेंडेंस और पार्टीशन तक पहुंचने वाले हैं। हम कैबिनेट मिशन पर पहुंच गए 1946, आपको पता है। ओके, थैंक यू राकेश, कमल जी, जाकुला, आप सबके जवाब मुझे मिल चुके हैं। कंचन, ओके, नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, लवेश नमस्कार। जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देख लें। जो भी हमारे पुराने लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया है उसको फॉलो कर लें। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 39। हम डिस्कशन करेंगे कैबिनेट प्लान और कैबिनेट मिशन से। हम कैबिनेट मिशन 1946 से 1947 की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं वो देखने वाले हैं। आज का लेक्चर पेश करने वाला हूं मैं। मेरा नाम है सुयश कमल सोनी। मैं थोड़ी सी चर्चा अपने बारे में कर लूं। मैंने एमए किया है हिस्ट्री में, साथ ही साथ मैंने एमटेक किया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। मैंने रिसेंटली यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है और जीआरई और टॉफिल भी क्वालिफाई किया है। 5000 के आसपास छात्रों के जीवन में मैं मार्गदर्शन देने का काम कर पाया हूं अभी तक। आगे मंदित आपको कोई परेशानी होगी तो उसके लिए मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं 24 घंटे। आपको मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको दिग्गज फैकल्टियों की जरूरत है। आपको जरूरत है पॉलिटी की, आपको इकोनॉमी की जरूरत है, ज्योग्राफी की जरूरत है, इन सारे सब्जेक्ट की जरूरत है, आपको एनवायरमेंट की जरूरत है। यहां पर आपको देखने मिलने वाला है कि अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक जगह पर आपको सॉल्यूशन मिल जाने वाला है जो भी परेशानी है उन सबका। यहां पर आप कोड यूज करें स्टडी आईएस। आप कोड यूज करेंगे तो आपको हमारे स्टडी आईएस चैनल के नाम के कोड को यूज करने से निश्चित रूप से डिस्काउंट की प्राप्ति होने वाली है। हेलो राजीव, अभी भी लोडिंग हो रहा है क्या? राकेश, इज इट स्टिल लोडिंग? अब ठीक हुआ क्या? बफरिंग ठीक हुई अब? सुनो, लिसन अप, जस्ट ट्राई एंड डिस्कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस करेक्टली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम फ्लक्चुएशन। टेल एवरीवन। चलिए ना, ओके, अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राकेश, जूही, रमेश परमार, चलिए ठीक है, सब बता रहे हैं अब ठीक है, अच्छी बात है, अब ठीक हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडरेट, जो हमारा मॉडर्न चल रहा है, इन सब का हम डिस्कशन करते हैं यहां पर हिस्ट्री की क्लास में। आपको हिस्ट्री में कोई परेशानी हो रही है क्या? थैंक यू पीएन शर्मा सर, थैंक यू। हिस्ट्री में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए। हिस्ट्री से संबंधित कोई परेशानी आपको आ रही है क्या?
एक से एक दिग्गज टीचर आपको हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे अन अकेडमी पे, आपको हिस्ट्री के टीचर मिल जाएंगे, पॉलिटी के टीचर मिल जाएंगे, इकोनॉमी के एक से एक दिग्गज मिल जाएंगे। जैसे मैं पॉलिटी में पर्सनली सिद्धार्थ अरोरा सर को फॉलो करता हूं, मैं इकोनॉमी में पर्सनली मृणाल सर को फॉलो करता हूं, करंट अफेयर के लिए मैं प्रेफर करता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर है उसके लिए, तो आप जानते हैं करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक ही बेताज बादशाह है, उसका नाम है अमन शर्मा। तो अमन शर्मा सर को मैं फॉलो करता हूं जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर करंट अफेयर्स की बात करनी। हिस्ट्री में आपको कोई परेशानी होती है अभी तक या फिर हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, अभी तक हमारी पढ़ाई में कोई कमी रह गई तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जतिन कौशिक का मुझे जवाब मिल गया है। कोई भी डाउट हो तो आपका स्वागत है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपनी तरफ। मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैनल का कोड है स्टडी आईएएस, इसको आप यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में निश्चित रूप से ही डिस्काउंट की प्राप्ति होने वाली है। आगे हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24, जो हमारा पोस्ट वॉर जो आपका नेशनल सिनेरियो था वो हमारा रिकैप में आने वाला है, हम पिछली थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आगे हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, फटाफट से ये कंप्लीट करते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको टू स्टैंड के बारे में बताया था, एक तरफ आप देखेंगे कहां पर कम्युनल वायलेंस चल रहा है, कम्युनल वायलेंस की एक तरफ आशंका है, दूसरी तरफ पार्टीशन की भी आशंका है। इसके साथ आप देख रहे हैं कहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है और भी तमाम चीजें चल रही थी। जी हाँ कंचन, हम काम करेंगे एंशिएंट और मिडिवल पे भी हम काम करने वाले हैं, साथ में आप देख रहे वाले इंटरनेशनल फोरम में भी बहुत से बदलाव आ रहे थे। जो यूके यूएसएसआर यूएसए की बात करूं मैं, तो यूके उस समय का यूके वैसा नहीं रह गया था जैसा वो वर्ल्ड वॉर टू के पहले था। वहां के जो सोल्जर्स हैं उनकी कमर टूट गई थी, इकोनॉमी की कमर टूट गई थी, सब परेशानी में थे। आपको देखने मिलेगा जो कांग्रेस है वो आईएनए प्रिजनर्स को सपोर्ट कर रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और भी तमाम चीजें करी जाएंगी, आईएनए डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको मैंने तीन अप्राइसिस के बारे में बताया था, कलकत्ता में जो हुई, उसके अलावा मैंने आपको आरएनए जो आपकी रॉयल इंडियन नेवी है उसकी भी रेटिंग्स ने जो रिवोल्ट किया था उसके बारे में भी बताया था। तीन स्टेजों को हमने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया था, कैसे कैसे लोग सपोर्ट करते हैं और कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। हमने इवैल्यूएशन कर लिया था, तीन अप्राइसिस जो हुई उनका हमने इवैल्यूएशन भी कर लिया था, हमने उसको समझ भी लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस तरीके के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे ये भी हमने देख लिया था, ये मैंने आपको बताया था कहां पर मेजोरिटी आई कहां पर नहीं आई। साथ में आपको सिग्निफिकेंट जो था फीचर क्या थे इलेक्शंस के, इलेक्शन से क्या समझ में आया, मैंने याद करिए आपको बताया था कि कम्युनल लाइंस पर वोटिंग होने लगी, हिंदू मुसलमान के पॉइंट पर वोटिंग होने लगी, ये बहुत ही बड़ी चिंता वाला विषय था। अपसर्ज में देखेंगे जब जो थ्री अपसर्जेस हो रही थी आपकी, उन थ्री अपसर्जेस में कहीं पर भी आपको कम्युनल एंगल देखने नहीं मिलने वाला, परंतु जब वोटिंग होती है तो कम्युनल वोटिंग होने लगती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तानिया कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, आपको अगर जानना है तो आप हमारा पुराना लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सारी थ्योरीज डिस्कस की है, चाहे आप बात करें उसमें आपकी सेफ्टी वॉल थ्योरी की या फिर लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी की, ये सारी चीजें मैंने वहां डिस्कस की है। और मैंने ये भी डिस्कस किया है वो प्रो ब्रिटिश थे या नहीं थे या फिर मॉडरेट्स का क्या रोल था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारा पुराना लेक्चर देख लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहां मॉडर्न के डिस्कशन में बहुत दूर आ चुके हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये मान के चलिए कितने समय पहले हमने कंप्लीट कर दिया था मुझे याद नहीं। आप देखिए कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के बारे में मैं बात कर चुका हूं, मैंने आपसे कहा था कि जो यूके है यूके में सरकार बदल गई, आप देखने वाले हैं लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। जब लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आप परिवर्तन देखने वाले धीरे धीरे किस तरीके से हो रहा है। आपको मैंने बताया था कैबिनेट मिशन आने वाला है, आईएनए की जो प्रिजनर्स है उनके बारे में बात की थी, तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। यहां पर मुझे मेन पॉइंट्स जो बताने थे कैबिनेट मिशन के, कि जो सेक्शंस बनाए जा रहे हैं सेक्शन ए बी सी डी आने वाले हैं, साथ में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरीके से मेंबर्स होने वाले हैं और प्रिंसिपल स्टेट्स का क्या रोल होने वाला है ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर हमने सवाल भी आपसे पूछ लिए थे, पोलिंग की थी जब हमने, तो हमने सवाल भी आपसे पूछे थे और उम्मीद करता हूं आप सबने पोलिंग में सवालों के जवाब दिए होंगे। हमने प्रिंसिपल स्टेट्स के रोल के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उनने ये कहा कि प्रिंसिपल स्टेट्स चाहे, पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपल स्टेट्स आजाद है, दूसरी बात यह है प्रिंसिपल स्टेट चाहे तो आपके गवर्नमेंट से जुड़ सकती है, इंडिया से जुड़ सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो ब्रिटिश से भी जुड़ सकती है। तो तीन रास्ते प्रिंसिपल स्टेट के सामने रख दिए, या तो आप आजाद हो जाइए, या आप अंग्रेजों के साथ जुड़ जाइए, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ जाइए, या फिर जो आपकी सक्सेसर गवर्नमेंट बन रही है उसके साथ जुड़ जाइए। कल्पेश स्वागत है आपका, मैं बहुत बढ़िया हूं। हाँ कल मैं आपको मिस कर रहा था, हम सब मिस कर रहे थे, अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं आता तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, वो कमी खलती है। यहां तक आपको मैंने समझा दिया था, मैंने इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसी से इंटरिम गवर्नमेंट आपकी बनाई जाएगी। अब यहां पर आप बात करेंगे किस तरीके से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो रहा है कांग्रेस का, जो आपकी ग्रुपिंग हो रही है वो कांग्रेस कैसे इंटरप्रेट कर रही है और आपकी मुस्लिम लीग कैसे इंटरप्रेट कर रही है, ये मैंने आपको बताया था। एक तरफ मुस्लिम लीग कहती है कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी होनी चाहिए,
याद करिए ग्रुपिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, एबीसी जो ग्रुपिंग है मुस्लिम लीग कहने वाली, किसको आपको कंपलसरी रखना है, ये आपको बना के रखनी है, बरकरार रखना है। कांग्रेस ये कहना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुपिंग है उसमें से एक इलेक्शन के बाद ये जो ग्रुप में से स्टेट्स बाहर निकल सकते हैं, प्रोविंसेस बाहर निकल सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं। तनवीर कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान ना हो, यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड है, आप चाहे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है रुक रुक के आवाज आने की वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद नहीं हारनी हमें, तैयारी में बहुत सी परेशानी आने वाली है। आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, बहुत सी जगह पर आप देखने वाले हैं कितने बच्चों को वो फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है, आप कम से कम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं समय कितना खराब चल रहा है, कोविड की वजह से पूरा देश परेशान है, साथ में आप देख रहे हैं जगह जगह पर दुनिया भर की आपदाएं आ रही है। उस स्थिति में आप अपने घर पर महफूज हैं, देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, मायूस नहीं होना है मेरे भाई। आप रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उसको डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपनी तैयारी किसी भी परेशानी को से बाहर निकल के तैयार करना है। हेलो अजीत, हेलो दिया। तो मैं आपसे कह रहा था कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये चाह रही थी कि आपको कंपलसरी नहीं रखनी है ग्रुपिंग, कांग्रेस ये चाह रही थी कि आपकी जो ग्रुपिंग है उसको ऑप्शनल रखना है आपको, और यहां से आपकी जो प्रोविंसेस है वो बाहर निकल सकते हैं, या फिर जो ग्रुपिंग होगी वो कंपलसरी नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम लीग के दिमाग में यह चल रहा था कि अगर एक ग्रुपिंग कंपलसरी हो गई तो आपका जो बी और सी ग्रुपिंग है इसमें कहीं ना कहीं वो पार्टीशन वाले जो स्टेट्स हैं जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं, तो वो फाइनली आपके पार्टीशन की शक्ल बनाने में मदद करने लगेंगे, पाकिस्तान की शक्ल बनाने में मदद करने लगेंगे, यहां पर यह बात आने लगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, राकेश ने जवाब दे दिया इस चीज का। तो जो हमारे साथ जुड़े थे, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कांग्रेस से संबंधित, तो उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है जब हम इतने आगे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 1947 की बात कर रहा हूं, और मुझसे एकदम से अगर सवाल पूछा जाएगा 1885 का, तो उसके लिए या तो मैं लेक्चर के बाद आपको डिस्कशन कर दूं तो मैं कर सकता हूं, या फिर आप चाहें तो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देख के। आप देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आप देखेंगे कांग्रेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स में आप देखें, प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। यहां पर यही हो रहा था, जो आपकी ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग से अगर आपको बाहर निकलना है तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि जो प्रोविंसेस हैं, कांग्रेस ये कहती है कि प्रोविंसेस को जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक रुके बाहर निकलने के लिए। साथ में जो कंपलसरी ग्रुपिंग है इसके बारे में भी बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि कंपलसरी ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान का दिमाग ये चल रहा था, मुस्लिम लीग का दिमाग ये चल रहा था कि आप इस ग्रुपिंग को कंपलसरी बना देंगे तो यही जो आपका बी और सी सेक्शन है जो यही कहीं ना कहीं एक सॉलिड एंटिटी फॉर्म कर देंगे जो आपका फ्यूचर में सक्सेशन में जो फ्यूचर सक्सेशन के समय में पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। यहां तक मैं आपको समझा चुका था, अब हम बात करने वाले थे, यहां से हम कल शुरू करने वाले थे, यहां पर हमने अपनी रेलगाड़ी लाकर छोड़ी थी। सवाल यह था एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का, सवाल है ना क्या करें, माना या नहीं माना। मुस्लिम लीग की बात करने वाला हूं मैं, तो मुस्लिम लीग क्या करने वाली है, एक्सेप्ट करेगी। 6 जून को आप देखेंगे एक तरफ मुस्लिम लीग है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस 24 जून के आसपास ये एक्सेप्ट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म प्लान को जो पुट फॉरवर्ड किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। जो कैबिनेट मिशन ने कहा उसको लीग मानती है, मुस्लिम लीग मान रही है और कांग्रेस मान रही है। उसके बाद आप आगे देखने वाले हैं 1946 आते आते इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस हेल्ड होने वाले हैं आपके प्रोविंशियल असेंबली के लिए जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। याद करिए मैंने आपको बताया था जो आपके प्रोविंशियल असेंबली में जो भी इलेक्शंस होंगे उसी से फाइनली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार होने वाली है और वही आपका एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करेगी सेंटर में। यह बात मैं आपको बता चुका हूं, पर नेहरू साहब की एक गलती हो जाती है जो मुझे लगती है। नेहरू ने एक स्टेटमेंट कही, नेहरू ने कहा वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि हम किसी चीज से बाधित नहीं है, हमें कोई चीज बांध के नहीं रखी इस सिवाय एक ही चीज के कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। कहीं ना कहीं इसको जब नाजुक घड़ी होती है तब आपके शब्दों का चयन बहुत ही ज्यादा बारीक होना चाहिए, कोई भी चीज आपके खिलाफ हो सकती है आपको पता नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको सवालों के जवाब आते भी हैं, तो उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से परोसना है, इस चीज पर ध्यान देना पड़ता है। रोहित राजपूत बिल्कुल स्वागत है, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओके राज्यलक्ष्मी, मैं आपको कंपलसरी ग्रुपिंग बता देता हूं, वापस चलते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था जो ग्रुपिंग हो रही है आपकी, प्रोविंसेस जो थे एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थे उनको ग्रुप्स में बांटा जा रहा था, सेक्शन ए में सेक्शन बी और सेक्शन सी इस तरीके से बांटा जा रहा था। सेक्शन बी में आप देखें मद्रास बॉम्बे जो आपका सीपी यूपी और प्रोविंस बिहार और ओडिशा जो आपके हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे उनको बांट दिया गया।
ये जो आपकी कंपलसरी ग्रुपिंग है इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन वन बना दिया इसमें से ये जो कोई भी स्टेट है ये बाहर नहीं निकल सकती, जब तक आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक ये बाहर नहीं निकल सकती। ये चीज यहां पर देखने को मिलती है आपको, इसी को आप कंपलसरी ग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ये जो ग्रुप्स बना दिए गए, सेक्शंस बना दिए गए, ये कंपलसरी थे, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते थे और इसी को आप कंपलसरी ग्रुपिंग कहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही थी कि ये कंपलसरी ग्रुपिंग का जो अरेंजमेंट है, सेक्शंस में आपने जो प्रोविंसेस को ऐड कर दिया है वो करने की जरूरत नहीं है, उसको टेम्परेरी करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप बात करेंगे, दूसरी तरफ आपकी लीग जो मुस्लिम लीग है वो ये बात कर रही थी कि जो ये ग्रुपिंग है इसको कंपलसरी कर दिया जाए और इसमें से इस प्रोविंसेस को बाहर निकलने की अनुमति ना हो या फिर बाहर ना निकाला जाए। ये सारी चीजें चल रही। आपको मैं यहां तक बता चुका था, नेहरू जी, नेहरू साहब आपके एक स्टेटमेंट रखते हैं कि हम सिर्फ बाध्य हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से और कोई चीज हमें बाध्य नहीं कर रही है, हम कहीं भी किसी भी चीज से किसी भी चीज से हम बाउंडेड नहीं है। अब यहां से बहुत सारी प्रॉब्लम चालू होने वाली है। आप देखें किस तरीके से यहां ये कहते हैं, जो बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई भी ग्रुपिंग है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे जो आपके एनडब्ल्यूएफपी और असम है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करेंगे और ये बी और सी ग्रुपिंग को छोड़ सकते हैं। आप ये समझिए, कहीं ना कहीं एनडब्ल्यूएफपी और आपके असम में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, अगर इन दोनों जगह पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है तो आपकी जो ग्रुपिंग बी और सी की है, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को लिया गया था, वहां पे ये जो दोनों आपके प्रोविंसेस हैं ये ऐड होने में मना कर दें और शायद ये आपके ए ग्रुपिंग में ऐड हो जाए। इससे परेशानी क्या होने वाली थी, पाकिस्तान को सीधा सीधा समझ में आ गया कि एनडब्ल्यूएफपी जो काफी मुख्य जगह थी पाकिस्तान के लिए, वो जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस हड़प सकती है, आगे जाके ये जगह जो है ये कांग्रेस के हाथ आ सकती है, भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में नहीं आएगी। जब ये चीज मुस्लिम लीग को समझ में आने वाली है तो मुस्लिम लीग जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया था 6 जून के आसपास, वो 29 जून तक विड्रॉ कर देगी इस चीज से, और विड्रॉ करने के बाद आप देखने वाले नेहरू की स्टेटमेंट की वजह से एक लॉन्ग टर्म प्लान को एक्सेप्ट कर रहा था उन्होंने, जो उसको विड्रॉ कर देगी। लॉन्ग टर्म प्लान से जैसे ही विड्रॉ करेंगे और डायरेक्ट एक्शन चालू कर देते हैं, अगस्त 16 को आप देखने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन चालू होने वाला है जो कि पाकिस्तान को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो आप देखिए 16 अगस्त को आपको डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहां पर डायरेक्ट एक्शन आपको देखने मिलता है। वो भी क्यों देखने मिलता है, कहीं ना कहीं ये अंदेज हो गए, इनको गुस्सा आ गया, इनको ये समझ में आ गया। देखिए ये जो ऐसा एक चीज है, एनडब्ल्यूएफपी वाली बात कर रहा हूं मैं, ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप बताते भी नहीं तो भी पता चल जाता है, ये बाद में होना ही था। लेकिन नेहरू साहब ने जब ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर दी उससे आपका मुस्लिम लीग जो है वो चौकन्ना हो गया और मुस्लिम लीग ने इस तरीके की हरकतें करना चालू की। आप देखेंगे डायरेक्ट एक्शन जब हुआ था, डायरेक्ट एक्शन के बारे में जब बात की गई थी तो देश में बहुत सारे दंगे हुए थे। जी हाँ राज मेहता, जो आपकी ग्रुपिंग्स में डिवाइड हो रहा था उसी में मुस्लिम लीग चाह रहा था कि उसी ग्रुपिंग में जो बी और सी बने हैं उन्हीं को हम पाकिस्तान बना देंगे। मुस्लिम लीग यह चाह रहा था कि हम इंडिया को इक्वल हाफ में बांट के आधा पाकिस्तान बना लें। लेकिन बाद में आप देखेंगे जब माउंट बैटन प्लान आता है तब कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को छोटे से छोटा बनाया जाए, उसकी जो डाया जो ज्योग्राफी है उसको छोटे से छोटा रखा जाए। जी हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतने सारे दंगे होते हैं, इस तरीके से आपका दंगा फैलता है। डायरेक्ट एक्शन में आप देखने वाले हैं एक तरीके की, इंडिया जो है वो सिविल वॉर की सिचुएशन में आ गया था। सिविल वॉर आप समझते हैं, सिविल वॉर आपको पता है जब अंदर एक घर के गृह युद्ध होता है, जब आप देखने वाले दो जो माइनॉरिटीज है वो लड़ने एक मेजोरिटी माइनॉरिटी में लड़ाई हो जाए, जैसे रवांडा में आप देखेंगे तो रवांडा में तुत्सीज में और हुतूस में लड़ाई हुई थी, 1992 की बात कर रहा हूं मैं, तुत्सी और हुतू करके जो दो ट्राइब्स थी उनमें रवांडा में लड़ाई हुई थी। इस तरीके से माइनॉरिटी जो आपकी सिविल वॉर होने लगती है, इंडिया में सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही थी, उसी तरीके से जैसे अमेरिका में सिविल वॉर की स्थितियां बनी थी 1863 के आसपास, वही सिचुएशन आपको यहां पर भी देखने मिलेंगी, जैसे आपको रवांडा में देखने मिली थी वही सिचुएशन आपको यहां पर देखने मिलेंगी। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मिशन था, पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाने का काम किया या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेट बना वो, या फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना, तो वो जब कर रहा था ये पूरा काम, ये पूरा स्टडी कर रहा था, जब वो न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, तब इस सारी चीजों की खबर हमें रॉ ने दे दी थी, आपका जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसने दे दी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जब ये सारी खबर दी थी, आपको पता नहीं होगा, आप सोच नहीं सकते कि इनको कैसे पता चला था, आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को कैसे पता चला था कि पाकिस्तान जो है उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया है, उसने एक एटम बम तैयार कर लिया है।
जी हाँ सौरभ दास, बहुत बढ़िया। किगाली जो है आपका रवांडाई का है, किगाली एग्रीमेंट भी बड़ा पॉपुलर है जिसमें आपसे बात की जाती है कि आपको जो भी हाइड्रोकार्बन वगैरह है रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं उनको आपको रिमूव करना है धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में। 1987 में किगाली एग्रीमेंट साइन होता है। अब ये जो चीज है, जो रॉक को कैसे पता चला कि यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ है, इसके पीछे बड़ी शानदार कहानी है। हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। और वहां पे हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी जिससे लगभग 25 से 27 आपके रॉक एजेंट्स मारे गए थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें आपको पेपर में पढ़ने नहीं मिलेंगी, ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये काफी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर जो टॉक्स होती है, ये सारी डिस्कशन है। मैं कभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये कहानी बताऊंगा किस तरीके से रॉ ने कम से कम 27 से 25 अपने सीक्रेट एजेंट्स अंडर कवर एजेंट खो दिए थे सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से, एक प्राइम मिनिस्टर के फोन कॉल की वजह से। तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे वक्त आने पे। यहां पर आप देखेंगे जैसे ही डायरेक्ट एक्शन चालू होता है कम्युनल होलोकॉस्ट होने लगेगा, पूरे देश में दंगा होने लगा। आप देखेंगे सांप्रदायिक दंगे होने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने वाले हैं आपको देखने मिलने वाला है। अगस्त 1946 से इंडिया में एक तरीके का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कम्युनल रायट्स आपको हर जगह देखने मिलेंगे बहुत बड़े स्केल पे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं हजारों की तादाद में मर जाएंगे, हजारों की तादाद में मौतें होने लगती हैं। साथ में आप देखेंगे कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखाली, बिहार, और साथ में आप देखेंगे घर मुक्तेश्वर करके जो उत्तर प्रदेश में जगह है, यहां पर दंगे बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी होने वाली है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। साथ में आप देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट है, यहां पर आपकी गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। वेवेल एकदम से फिर अपना पत्ता खेलेंगे। वेवेल का हमेशा से काम एक ही रहा है, काम को बिगाड़ना। वेवेल ने जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तब भी जिन्ना को, माइनॉरिटी को, उन्होंने वीटो पावर की तरह पावर दे दिए थे, उसकी वजह से टॉक्स जो है आपकी रुक गई थी। एटली ने शुरू में यह कह दिया था कि हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट या फिर माइनॉरिटी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स को लेते हुए मेजोरिटी स्टेट को आप स्टैंड के जो प्रोसेस है, जो काम है, उसको नहीं रोक सकते, उसको अड़ंगा नहीं डाल सकते, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। आपको एक और बात मैंने बताई थी कि कहीं पर भी कैबिनेट प्लान में फुल फ्लेज पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया है, यह चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आप देखने वाले हैं वेवेल वाइसरॉय है उस टाइम पे, और वेवेल अपना दिमाग चलाएंगे। वेवेल क्या करते हैं, वेवेल यहां पर कहेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट में लेकर आएंगे और धीरे से चुपके से आपके लीग को भी अंदर लेके आने वाले हैं। यहां पर शुरू में तो क्या होने वाला है, ये कह देंगे कि ठीक है कांग्रेस बस आ जाए, अभी इंटरिम गवर्नमेंट में लीग नहीं आ रही ना आए। लेकिन थोड़ी देर से वेवेल बैकडोर एंट्री कराएंगे आपकी लीग की। याद करिए फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके लियाकत खान के हाथ में आती है, और वो कितने सारा प्रॉब्लम्स देते हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने में, कोई भी एक्ट पास करने में बहुत ज्यादा अड़ंगे डालते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया था कि ये जो हम इंटरिम गवर्नमेंट में आए हैं या फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए हैं, तो हम इसीलिए नहीं आए हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, हम इसीलिए आए हैं ताकि जो हमारी मांग है पाकिस्तान की, हमारी मांग है टू नेशंस की, वो मांग को हम और पुरजोर तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म पर शो कर पाए। जी हाँ सैंडी, थैंक यू, आपने मुझे अच्छा खासा आइडिया दे दिया, हम ये कर सकते हैं। जो भी इस तरीके की कहानियां हैं जो मुझे पता है, जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल या फिर काफी सीक्रेटिव होती है, हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो मैं कोशिश करूंगा मैं वहां पर डिस्कस करूं। हम कभी ऐसी चीजों पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना एडवेंचरस होता है, आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होता है वो कितना ज्यादा एडवेंचरस काम है। आपने इसके ऊपर से पिक्चरें देखी है, लेकिन ये पिक्चर से ज्यादा रोमांचक होता है। आपको भी जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो शायद आपको ऑफर मिलने वाले हैं कि आप रॉ ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, किसी को भी इस तरीके के आपके मिल सकते हैं मौके। आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एमबीसी में अंडर कवर एजेंट्स के तौर पर भी होते हैं, तो वो सारी चीजें होती है, कभी हम डिस्कशन करेंगे उस पर। आप देखिए इंटरिम गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आप समझिए। तो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाई जाती है, इसमें आप देखेंगे कांग्रेस जो है, कांग्रेस को बैठा दिया जाता है। कांग्रेस जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करने वाली है, इंटरिम गवर्नमेंट को डोमिनेट करने वाली है। गवर्नमेंट को एक चीज पता थी कि मास एक्शन चालू ना कर दे, क्योंकि अगर मास एक्शन चालू करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाने वाली है। गवर्नमेंट कांग्रेस के मास एक्शन से बहुत ज्यादा घबराती थी, बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा थी। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस आपकी हेड करने वाले हैं नेहरू साहब, और कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करने वाली। वेवेल चुपके से वाइल्ड कार्ड एंट्री कराते हैं मुस्लिम लीग की। यहां पर आप देखिए इंटरिम गवर्नमेंट जब बनती है उसके बाद 2 अक्टूबर 1946 के आसपास मुस्लिम लीग को भी साथ में जोड़ दिया जाता है। जब जैसे ही आपके 2 सितंबर में मुस्लिम लीग को जोड़ा जाएगा,
धीरे धीरे आप देखने वाले हैं मुस्लिम लीग जो डायरेक्ट एक्शन रोकने की बात थी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अगर आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इंटरिम गवर्नमेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपने जो डायरेक्ट एक्शन है उसको रोक दें। आप अगर डायरेक्ट एक्शन को रोक देंगे तो जिस तरीके से ये जो नरसंहार हो रहा है, ये जो दंगे हो रहे हैं, ये फसाद हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने की मांग की वजह से आप देखने वाले मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन को नहीं रोकने के बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आ गए। वो इसीलिए आ गए क्योंकि आपका जो आइडियोलॉजी थी बेवेल की, बेवेल कहीं ना कहीं ये जो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस था उसको बैलेंस करना चाह रहे थे। जो इंटरिम गवर्नमेंट में आपका डोमिनेंस था कांग्रेस का, उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक और पत्ता खेला और इन्होंने मुस्लिम लीग को बैकडोर एंट्री करा दी, मुस्लिम लीग को बड़े आराम से चुपके से अंदर एंटर करा दिया। एक तरफ आपको मैंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अगस्त में ही इस चीज को, जून में 29 तारीख को जून में इन्हें रिजेक्ट कर दिया था लॉन्ग टर्म प्लान कैबिनेट का, लेकिन उसके बाद भी अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट में आ रहे इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इनको सपोर्ट कर रहे थे। आप देखिए यहां पर डायरेक्ट एक्शन इन्हें नहीं रोका, डायरेक्ट एक्शन को इन्हें विड्रॉ नहीं किया, तब भी ये इंटरिम गवर्नमेंट में है। साथ में आप देखने वाले जो आपका कैबिनेट मिशन है उसके लॉन्ग टर्म प्लान को भी रिजेक्ट किया इन्होंने और जो शॉर्ट टर्म प्लान थे उनको भी रिजेक्ट किया, इसके बाद भी ये गवर्नमेंट में बैठे। आप देखने वाले कंपलसरी ग्रुपिंग की जो बात करते थे, जब भी कांग्रेस कहता था कि कंपलसरी ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ भी ये बात करने वाले, इनको लगता था कंपलसरी ग्रुपिंग होनी चाहिए, कंपलसरी ग्रुपिंग को हमेशा सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस हमेशा इसके अगेंस्ट बात करती थी, कांग्रेस कहती थी कि जरूरी नहीं है कंपलसरी ग्रुपिंग हो। और यहां पर बहुत सारे रिपरकशन आ रहे थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहां पर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये कम्युनलिज्म जो है वो इस हद तक कैसे बढ़ गया। कम्युनलिज्म की हम बर्थ की बात करेंगे, कहां से उसका जन्म होता है और कैसे उसका स्प्रेड होता है, कैसे वो फैलता है। मैंने आपको बता दिया जो आपके लियाकत खान है उनने किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आपके जो लियाकत अली खान है वो किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले इंटरिम गवर्नमेंट में, ना तो वो कैबिनेट मीटिंग में आते थे, ना वो आपके कांग्रेस के इनफॉर्मल जो भी आपके गवर्नमेंट की इनफॉर्मल मीटिंग्स है उनमें आया करते थे, और अगर कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट काम करना चाहता था तो उसमें अड़ंगा डालने का काम ये करते थे, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसमें कहीं से भी खलल कैसे डाल सकते हैं, उसमें परेशानी कैसे खड़ी कर सकते हैं, इस चीज के लिए करते थे। मैंने आपको एजेंडा भी बताया, मुस्लिम लीग अगर इंटरिम गवर्नमेंट में जुड़ी भी थी तो उसका सीधा रीजन ये था, ना तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन बंद किया। डायरेक्ट एक्शन उन्होंने बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी पाकिस्तान की मांग मानी जानी चाहिए, वो पाकिस्तान बना के ही सांस लेने वाले थे, उसके पहले नहीं, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन नहीं माना, कैबिनेट एक्शन के लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लान्स नहीं माने। साथ में एक और चीज आप देखने वाले हैं, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में एंट्री इसीलिए की ताकि वो इंटरिम गवर्नमेंट को भी काम करने से रोक पाए और अपनी जो मांग है पाकिस्तान की उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर ले जाकर वो बढ़ावा दे पाए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम नया एक अलग ही तरीके से बात करने वाले, एक नई फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं कि कम्युनलिज्म कहां से चालू होता है और वो किस तरीके से फैलता है। इसके पहले तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो शुरू से डायरेक्टर रहे, उनको पता है कौन सा सीन कब होने वाला है और स्क्रीन पे कौन सा एक्टर कब आने वाला है, ये ब्रिटिशर्स ही डिसाइड कर रहे थे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी तक हर चीज अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊंगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि कहां पाकिस्तान का और इसराइल का भी एक कनेक्शन है। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान और इसराइल का क्या कनेक्शन है, तो वो भी हम कभी डिस्कशन करेंगे, जब मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और इसराइल की कहानी एक है। आप मुझसे कहेंगे कि सर पाकिस्तान कहां है और इसराइल कहां है, उन दोनों की कहानी ये कैसे हो सकती है, तो ये मैं आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करके बताऊंगा कि पाकिस्तान और इसराइल की कहानी एक है और दोनों जगह पर ब्रिटिश इन्वॉल्व है। ये बड़ी मजेदार बात है कि ब्रिटिश दोनों जगह इन्वॉल्व है और यहां पर आप देखने वाले पाकिस्तान बनाने की जो मांग है उसको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का फायदा है। वो चीज आपको यहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। अभी हम यहां पर वापस आते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें हम इंडियन कम्युनलिज्म की, तो मैंने आपको शुरू से बताया किस तरीके से ये आइडियोलॉजी चलती है, किस तरीके से यहां पर काम होता है। यहां पर जो इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस आपका दिया जाएगा आपके रिलीजियस या एथनिक ग्रुप्स को, या कि वाइडर सोसाइटी को यहां पर इंपोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, वाइडर सोसाइटी को नकार दिया जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी यहां आती है, तीन आपको स्टेजेस देखने वाले हैं, तीन आपको ऐसे सिलसिलेवार तरीके से समझ में आने वाला है कि आपका कम्युनलिज्म का कहां से उद्गम होता है, कहां से बर्थ होता है। देखिए कांग्रेस को कैबिनेट मिशन जो आया आपका स्वाति, कैबिनेट मिशन जब आपका आ रहा है तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, यह काम कांग्रेस का था। कांग्रेस का काम यह नहीं था इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है या नहीं बनाना, वो तो कैबिनेट मिशन के अंदर था। यहां पर आप देखेंगे कांग्रेस, आपके जो कांग्रेस है उसने एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट नहीं किया था।
आपको मैंने बताया 29 तारीख को इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जब इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो कांग्रेस की डोमिनेंस हो गई। कांग्रेस की डोमिनेंस होने की वजह से आप देखने वाले कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये चीज रास नहीं आने वाली, और इसीलिए बैकडोर से एंट्री कराएंगे मुस्लिम्स की भी, मुस्लिम लीग की इंटरिम गवर्नमेंट में। इंटरिम गवर्नमेंट में आपके मुस्लिम लीग की बैकडोर एंट्री होती है, ये चीज आपके ब्रिटिशर्स कराते हैं, ये होता है। तो कांग्रेस के एग्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंटरिम गवर्नमेंट की जो बात की गई थी, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया था, उसमें क्लियरली ये दिया गया था कि आप देखेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन होगा, उससे जो चुनके आएंगे वही आपके इंटरिम गवर्नमेंट भी चलाएंगे और वही आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनाने वाले हैं, जो आपका आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, भारत का संविधान बनाएगा। अब यहां पर आप देखिए कम्युनल नेशनलिज्म की बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं दोनों जगह पर इस चीज की बिल्डअप हो रहा है। पर्टिकुलर आप देखेंगे रिलीजियस कम्युनिटी से एक आइडेंटिटी बनाई जा रही है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो बिलोंग करते हैं वो अपने आप को अलग मानेंगे और दूसरे जो है वो अपने आप को अलग मानेंगे। यहां पर आपको देखने मिलने वाला है जो सेक्युलर इंटरेस्ट है, जो सेम इंटरेस्ट है, वो उन मैटर्स को भी कहीं ना कहीं आप करने वाले हैं कि रिलीजियस जो है रिलीजन का कलर मिल जाएगा, सेक्युलर मैटर्स भी जो है उन पे भी कहीं ना कहीं इस चीज का असर आने वाला है। दोनों जगह, चाहे सेक्युलर मैटर्स हो या फिर रिलीजियस मैटर्स हो, दोनों पर असर आने वाला है अगर आपका कम्युनल नेशनलिज्म है, अगर आपकी जो सोच है वो रिलीजन बेस्ड है या फिर आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से उस चीज को लेकर आ रहे हैं। इसका बड़ा शानदार एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पर तिलक साहब जो है आपके बाल गंगाधर तिलक है, उनका मेन फिनोमेना क्या था, उनका मेन काम था कि आपको मास मूवमेंट करनी है, लोगों को जोड़ना है, जनता को जोड़ना काम है उनका, और जनता को जोड़ने का जो काम है वो सेक्युलर एक्टिविटी है, उसमें आपको कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उसको भी उन्होंने जो करा, उन्होंने उसको रिलीजियस एंगल के साथ करा, रिलीजियस एंगल के साथ वो काम कर रहे हैं, रिलीजियस एंगल से वो अप्रोच कर रहे हैं। अब रिलीजियस एंगल से कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था, गणेश उत्सव मनाने वाले हैं, साथ में मनाने वाले हैं आपका शिवाजी उत्सव। तो ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जब ये मनाने वाले हैं, इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आपके मुस्लिम है वो एंटागोनाइज हो जाएंगे और मुस्लिम को ऐसा लगेगा कि यहां तो हमारा कोई काम ही नहीं, और ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाने का एक काम था। हेलो विजय लक्ष्मी, जी हाँ नकील कसना चाह रहे थे राकेश, आप सही कह रहे हैं, यही तो परेशानी है सौरभ, कि आपका इंटरेस्ट तो सेम है, आप दोनों चाहते हो कि इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप देखिए पाकिस्तान भी, जो आपके मुस्लिम लीग है वो भी चाह रहा है कि आप आजाद हो जाए, साथ में आपका कांग्रेस भी चाह रहा है आजाद हो जाए, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं यहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कोई भी चीज के लिए फाइट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि एक नेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज के लिए, जो भी आपका सेक्युलर एंटिटी उसके लिए भी फाइट करेंगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीजियस कलर्स आ जाएंगे। अब हम लिबरल कम्युनल्स की बात करें, लिबरल कम्युनल्स ये कहते थे कि अगर दो आपकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनके अलग अलग रिलीजियस इंटरेस्ट हैं, तो इससे आपको ये समझना चाहिए अगर इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो ये सेक्युलर स्पीयर में भी कहीं ना कहीं बटने वाले हैं, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल स्पीयर्स हैं वो भी अलग अलग रहने वाले हैं, क्योंकि इनका शुरू से ही आप देखेंगे इंटरेस्ट अलग है, जो रिलीजियस इंटरेस्ट अलग होने की वजह से इनकी सारी चीजें अलग हो जाएंगी, ये कहा जाता है लिबरल्स के द्वारा। लिबरल्स कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका इकोनॉमी पॉलिटी और कल्चर वो भी अलग रहने वाला है। साथ में एक्सट्रीम कम्युनलिज्म वाले क्या कहेंगे, आप देखेंगे द नोशन नॉट ओनली टू डू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, जो आपके लिबरल्स कह रहे थे कि आपकी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, यहां पर ये आगे बढ़ के एक पॉइंट और जोड़ते हैं, यहां पर ये कहते हैं इंटरेस्ट आर इनकॉम्पैटिबल, मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक साथ नहीं रह सकते, टू कम्युनिटीज कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी एक्सट्रीमिस्ट को जो आपका कम्युनलिज्म है, ये आपका तीसरे फेस में आपको देखने मिलने वाला है। पहले फेस में आपको मैं बता दूं, यहां पर जो आपका बाल गंगाधर तिलक करते हैं, ये आपका फर्स्ट फेज में होता है, कम्युनल नेशनलिज्म होता है। साथ में आप देखेंगे दूसरा फेज जब आता है, दूसरा फेज जब आने वाला है, जब आप देखेंगे खिलाफत सत्याग्रह होता है आपका, खिलाफत होता है जब आपका, खिलाफत मूवमेंट होने वाली है आपकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट हुई थी, उस टाइम आपको समझ में आएगा लिबरल कम्युनलिज्म, क्योंकि यहां पर खिलाफत में मुस्लिम्स की बात करी जा रही थी, मुस्लिम्स का जो एजेंडा उसको उठाया जा रहा था, और यहां पर जो आपके लिबरल्स हैं वो ये मान रहे थे कि जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखिए आप मुस्लिम्स का क्या था, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट खिलाफत से, बताएं जरा मुझे, राज्यलक्ष्मी आई एम डूइंग इट, डोंट वरी, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए सैंडी कम्युनल एंगल तब भी था, आप देखिए गणेश उत्सव कौन मनाएगा या शिवाजी उत्सव कौन मनाने वाला है,
बेसिकली जो हिंदूज हैं वो इसको ज्यादा फॉलो करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं ये कम्युनल एंगल है, क्योंकि आपके जो मुस्लिम्स हैं वो एक तरीके से इससे अनछुए रह गए, उन तक ये बात ही नहीं पहुंची। नहीं नहीं नहीं, नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे कम्युनलिज्म का एंगल कहां से लेके आ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें छत्रपति महाराज के टाइम पे जो कुछ इंपॉर्टेंट उनके सरे नौबत हुआ करते थे या फिर जो इंपॉर्टेंट उनके सिपाही हुआ करते थे वो मुस्लिम्स थे। आपको एक बात बता दूं, जब एक शिवाजी के साथ एक केस हुआ था, शिवाजी को जब मारने के लिए एक असासिन भेजा गया था, याद है उनने जब वो हाथ का जो शेर वाला पंजा होता है उस पंजे से उसको मार दिया था, मुझे उन पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का, तब भी उनको रोकने का काम या जो पूरा प्लानिंग का काम है वो एक मुस्लिम लीडर थे, मुस्लिम सेनापति थे शिवाजी के, उन्होंने किया था। ये जो पंजा दिया था शेर वाला पंजा वो भी उन्होंने दिया था, तो ये कम्युनल एंगल तब नहीं हुआ करता था, तब ये कम्युनिटी वाली चीजें इतनी सेंसिटिव नहीं होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जूही, बढ़िया राकेश ने जवाब दे दिया, सैंडी ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, विजय चावला ने भी दे दिया, स्वाति वेरी नाइस, चलिए सौरभ सबके जवाब आ गए। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं खिलाफत के टाइम पे सिचुएशन ये थी कि पॉलिटिकल एजेंडा जो खिलाफत में मांग हो रही थी वो क्या हिंदू की मांग थी या फिर पूरी इंडिया की मांग थी, बताइए क्या वो पूरी इंडिया की मांग थी? तो मैं आपको बता दूं वो पूरी इंडिया की मांग नहीं थी, वो सिर्फ आपके मुस्लिम्स की मांग थी। यहां पर आपको एक चीज हाईलाइट करने वाली आ गई कि उनका जो रिक्वायरमेंट होने वाला है एक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप का, जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है उनका इंटरेस्ट भी अलग होने वाले हैं, और उनके इंटरेस्ट में आपको देखने मिलता है कि एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट आता है जिसको आप कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये सेकंड फेज जो सेकंड स्टेज है आपका लिबरल कम्युनलिज्म, यहां पर आपको देखने मिला है कि धीरे धीरे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो रिलीजियस ग्रुप्स अपने पॉलिटिकल एंगल्स को या पॉलिटिकल जो गोल्स हैं उनको सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती थी कि आप उनको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहे हैं, आपको एक सेक्युलर एजेंडे पे इनके साथ लड़ना चाहिए था, वो चीज नहीं होती। जी हाँ सैंडी थैंक यू, बाघ नख जो होता है शेर का जो पंजे जैसा होता है एक हथियार, उसको लेकर शिवाजी महाराज जाते हैं और फिर अफजल खान का खून कर देते हैं, अफजल खान जो बहुत बड़ा सा आदमी था उसका खून कर देते हैं, तो ये चीजें आपको देखने मिलती हैं। आगे आप देखिए एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिज्म कब मिलने वाला है, एक्सट्रीम कम्युनिज्म कब मिलने वाला है, जब ये बात करी जा रही है कि ये जो दो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इनके जो जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं वो साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, साथ में नहीं रह सकते, ये मांग कब से उठने वाली है, तो ये आपको 1940 के आसपास देखने वाली है जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो अगर मैं आपको लाइंस से ड्रॉ करके बताऊं तो सबसे पहले आप देखें ये चालू होता है आपका 1900 से, ये चालू होने वाला है आपका 1920 से, और ये चालू होने वाला है आपका 1940 से। 1900 से मैं आपको बताऊं तिलक की एक्टिविटीज चालू हो गई थी जिसमें वो मास मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, इसका पीक 1905 में आता है। यहां पर 1920 के आसपास की बात बता रहा हूं जहां पर खिलाफत मूवमेंट भी होती है और आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी होती है, तब की बात बता रहा हूं, तब आपका लिबरल कम्युनिज्म का फेस था। फाइनली 1940 में देखेंगे, 1940 में देखने वाले जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की जाती है जिन्ना के द्वारा, तब आपका एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म का फेस आ गया, क्योंकि तब तक ये चीज क्लियर कर दी थी कि टू नेशंस बनने चाहिए, दो नेशंस बनेंगे, एक नेशन से काम नहीं होने वाला, ये जो दो रिलीजियसली डिफरेंट पीपल हैं, जो रिलीजियसली डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनकी जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं वो साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये चीज यहां पर देखने मिलती है। इसी वजह से आपका एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म देखने मिलेगा 1940 जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन होता है तब। सौरभ वो जो आप कह रहे हैं जो अफजल खान था वो मुगल नहीं था, वो मुगल से नहीं आया था, आप देखने वाले हैं वहां पर नीचे जो आपकी बहमनी किंगडम था, निजाम शाही थे, और भी जो आपकी सल्तनत थी वहां से आया था, वो साउथ से आया था, डेक्कन की जो सल्तनत थी उनसे आए थे। अफजल खान वॉज नॉट रिलेटेड टू मुगल, तो ये याद रखना है आपको, ही वॉज नॉट रिलेटेड टू मुगल। राजा मान सिंह को भेजा गया था जहां तक शिवाजी को अपने जो किले हैं उनको सरेंडर करने के लिए मुगल्स के द्वारा, आप देखेंगे अफजल खान मुगल्स ने नहीं भेजा था अफजल खान को, जो आपके आदिल शाही और निजाम शाही ये जो आपकी डेक्कन में जो सल्तनत हुआ करती थी उनमें से एक पर्टिकुलर सल्तनत से अफजल खान को भेजा गया था। जी हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं राकेश, हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने शायद मिस्टेक करी, और मिस्टेक नहीं कह सकते, उनको भी तो नहीं पता था, भगवान थोड़ी है, इंसान ही है, महात्मा है, आत्मा परमात्मा तो नहीं है, महात्मा है तो महात्मा से तो गलती हो सकती है ना, उनको थोड़ी पता था आगे जाके ये कहानी इतनी टेढ़ी बन जाएगी कि देश का जो है वो टुकड़ा ही हो जाएगा, देश के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये तो गांधी जी को पता नहीं था, वो भी तो महात्मा है,
मैं तो ये मानता हूं हमेशा कि भाई साहब आदमी महात्मा ही है ना, परमात्मा तो नहीं है। जब तक वो परमात्मा नहीं है तो आप उसे ऐसे कैसे उम्मीद रख सकते हो वो हर चीज सही करे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? महात्मा है परमात्मा नहीं, तो आप ऐसे उम्मीद नहीं रख सकते कि जो भी वो करे वो सही करें। जी हाँ सौरभ, वो अफगान था, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी काजी कदगाठी थी, और ये सोचा था कि जो आपके शिवाजी हैं, शिवाजी को वो अपने हाथों में दबा के मसल के मार डालेगा, इतना ताकतवर इंसान था वो। और यही उनके सिपाही ने पता, जो आपके सोल्जर थे, जो आपके सेनापति थे, उन्हें पता लगा लिया था कि ये अफजल खान भाई बड़ा ही ताकतवर है और शिवाजी को ये मसल के खत्म कर सकता है, इतना ताकत है इसमें। इसीलिए जब वो गले मिलता है शिवाजी के, तो शिवाजी अपना जो बाघ नख है, जो हाथ में जो आपका टाइगर क्लॉ करके एक वेपन था, उसको उसकी पसलियों में घुसेड़ देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जी हाँ बेमनीष, देखिए आपको जवाब मिल गया अपना, सौरभ तो ही वॉज नॉट ए मुगल। जी हाँ एब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया सौरभ, एब्सोल्यूट होता है। तो यहां तक तीनों चीजें समझ गए आप, तीनों को समझ, आप सबको समझ में आ गया किस तरीके से स्टेजेस होने वाली हैं। मैंने आपको बता दिया कम्युनल स्टेजेस के बारे में, यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो हम इसको फिर से पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन कम्युनल नेशनलिज्म, उसके बाद आपका लिबरल कम्युनलिज्म, और उसके बाद फाइनली आपका था एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म। ये तीनों आपको परेशानी तो नहीं है? यहां कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। हम बर्थ की बात करने वाले हैं, कैसे स्टेजेस पे होता वो तो हमने देख लिया, हम ग्रोथ की और बर्थ की बात करने वाले। थैंक यू पंकज ठाकुर, यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आगे बात करने वाले रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म की। तो आप देखिए सोशियो इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं, वो हम समझने वाले हैं। आप देखिए सोशियो इकोनॉमिक रीजंस में अगर मैं बात करूं तो 1857 से आप देख रहे हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहीं आपके मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो हिंदूस को नहीं दिया जाएगा, हिंदूस को दिया जाता है तो मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। आपको एक और बात याद रखनी है, आपके जो सैयद अहमद खान थे, सैयद अहमद खान ने भी ये बात कही थी कि जो मुस्लिम्स हैं वो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो एजुकेशनली वीक हैं, इसलिए मुस्लिम्स को लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए और अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल करने पे ध्यान देना चाहिए। इस चीज की बात करते हैं आपके सर सैयद अहमद खान। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, यहां से आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं शुरू से ही सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस डेवलप हो रहे थे मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में। अगर ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है वो अलग थी, उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो अलग होने वाली हैं, खान पान अलग होने वाला है, सामाजिक स्तर अलग होने वाला है, आप देखेंगे आर्थिक स्तर अलग होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है आगे चल के। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आपका एक दोस्त है जिसके पास साइकिल है और आप हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है। आपके एक दोस्त के पास साइकिल है और आपके पास मोटरसाइकिल है, थोड़े दिन में आप देखने वाले हैं आप लोगों की दोस्ती में कहीं ना कहीं परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका वो जो दोस्त है वो आपके साथ कम रहने लगेगा। वो आपके साथ इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसको जब भी वो आपकी मोटरसाइकिल देखता है तो आपको उसके मन में ईर्ष्या होती है, उसको तकलीफ होती है, उसको ऐसा लगता है कि ये साइकिल जो है वो मेरे पास है लेकिन मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है। ये जो ईर्ष्या वाली भावना आती है ये आपको देखने मिलती है, ईर्ष्या मिलने वाली है आपको, जलेसी देखने मिलने वाली है जब रिसोर्सेस की कमी होती है आप देखने वाले। साइकिल और मोटरसाइकिल की बात से मैं यह समझाना चाह रहा हूं आपको। चलो तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही। यही ईर्ष्या आपको कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से मुस्लिम लीग में और आपके कांग्रेस में देखने मिलने वाली है, आपको नॉर्मल मुस्लिम्स में और हिंदूज में देखने मिलने वाली है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इनका अभाव हो रहा था, इनका इम्बेलेंस हो रहा था, यह बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। तो यहां आपको सोशियो इकोनॉमिक रीजन समझ में आ गया। मैं आपसे बात करूं ब्रिटिश का जो आपका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसमें आप देखने वाले हैं 1857 की जो भी आपकी रिवॉल्ट होता है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है मुस्लिम्स को। जब 1857 की रिवॉल्ट के लिए मुस्लिम्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा तो आप देखने वाले हैं जो आगे इसके आगे की ब्रिटिश की जो पॉलिसीज बनती है उसमें मुस्लिम्स को कोई भी कंसेशन नहीं दिए जाएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट या फिर कहीं पर भी कोई भी सब्सिडी या सिक्योरिटी नहीं दी जाने वाली है। ये सारी चीजें आपके हिंदूज को दी जाने वाली है। इस तरीके से ये फेस चलने वाला है।
चलिए आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मुस्लिम्स और हिंदूस के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने वाले हैं। आगे आप देखते हैं नेक्स्ट फेज में 1885 में, जैसे आपकी कांग्रेस बनने लगती है तो आप देखेंगे हिंदूस के साथ कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी व्यवहार होता है और मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करने का काम किया जाता है, जिसका फाइनल रिजल्ट आपको 1906 में मिलता है, जब 1906 में आप देखते हैं मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरीके से वक्त वक्त आने पर हर फेस में आप देखने वाले हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को बैलेंस कर दिया गया, कभी इनको ज्यादा फायदा दे दिया गया, इनको नुकसान दे दिया गया, इस तरीके से ऊपर नीचे करने वाले हैं। देखिए वो कम्युनलिज्म अलग चीज है सौरभ, और कम्युनिज्म अलग चीज है, दोनों चीज अलग है। कम्यून मतलब होता है एक, एक सबका ग्रुप मिलकर एक किसी चीज को ओन करता है, एक इंस्टीट्यूशन जिसमें सबकी ओनरशिप होती है उसको कम्यून कहते हैं। कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म में कंफ्यूज हो रहे हैं आप सौरभ? तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये राकेश ने क्या लिखा है, जी हाँ राकेश आप देखने वाले शुरू में ये भी जो आपके सर सैयद अहमद खान है ये भी आपसे बात जब करते थे तो भी ये कहते थे कि हमें बात करनी है डेवलपमेंट की, हमें आगे बढ़ने की बात करनी है, और ये काफी लिबरल थे और रेडिकल थे, लेकिन बाद में ये जाके ये भी काफी ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। इनके ऑर्थोडॉक्स होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इनके जो बेटे थे सर सैयद अहमद खान के जो बेटे थे वो काफी पढ़े लिखे थे, वो जज थे, लेकिन आप बाद में देखेंगे मुस्लिम्स को एंटेगनाइज कर दिया गया, जो ब्रिटिशर थे वो मुस्लिम के साथ बहुत बुरा रवैया करने लगे थे 1857 के बाद। 1857 के बाद इस तरीके का परिवर्तन जब आया आपके ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में, इसकी वजह से आप देखने वाले सर सैयद अहमद खान के लड़के का करियर बर्बाद हो गया, करियर बर्बाद हो गया, और शायद ये नशे के आदि हो गए थे, ये शराब ज्यादा पीने लगे थे, और उसके बाद इनके जो बेटे हैं ये मर जाते हैं। जब सैयद अहमद खान ये चीज देखते हैं उसके बाद से ये जो लिबरल वाली बातें करा करते थे या जो रेडिकल वाली बातें किया करते थे, रैशनल बातें किया करते थे, ये खत्म कर देते हैं और फिर वापस अपनी ऑर्थोडॉक्सी पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे घर की भी बात है, घर से ये चीज जुड़ी है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब हम तीसरी बात पढ़ने वाले हैं जो कम्युनल हिस्ट्री राइटिंग। अब मैंने आपको शुरू से बताया है, ये हम डिस्कस करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, जो आपकी हिस्ट्री भी लिखी गई है वो किस तरीके से लिखी गई। हिस्ट्री जो आपकी लिखी गई है वो ऐसे लिखी गई है कि एक फेस को कहा जाता है हिंदू फेस, दूसरे फेस को कहा जाता है आपका मुस्लिम फेस, और तीसरे फेस को कहा जाता है आपका इंग्लिश फेस या फिर आपका ब्रिटिश फेस। ऐसी लिखी है हिस्ट्री, यही बताते हैं कि जो अब इस कम्युनल तरीके से लिखेंगे तो यहां पर यह बताया जाता है कि मुस्लिम्स ने हिंदुओं पर राज किया है इतने साल, जब मुगल जाए तब हिंदुओं पर इतने साल राज किया, इसीलिए अब हिंदू राज करेंगे मुस्लिम्स पे, इस तरीके की बात करी जाती है। तो आपको ये कम्युनल हिस्टोरी राइटिंग जो मिलने वाली है, इस तरीके के आपको हिस्टोरियंस मिलने वाले, तो यहां तक क्लियर होनी चाहिए। आप देखने वाले साइड इफेक्ट्स की बात करें तो किस तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो होने वाले हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होने वाली है, वहां पर आप देखें आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी हो रही थी और साथ में आपकी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी हो रही थी, लेकिन आपको एक चीज देखने मिलेगी, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो ज्यादा हो रही थी और रिफॉर्मिस्ट में, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आपकी हिंदुइज्म में ज्यादा देखने मिल रही। हिंदुइज्म में सिर्फ एक ही मेजर आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जो थी आर्य समाज, लेकिन उसके अलावा आपको सारी जो भी मूवमेंट्स मिलती है वो आपको मिलती है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। और जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, अगर आप मुस्लिम्स में बात करें तो जो बहावी मूवमेंट आई, जो पर्टिकुलरली बात करें आपके ऑर्थोडॉक्स की, जो आपके ऑर्थोडॉक्स आइडियाज है मुस्लिम्स के, उनको फॉलो करने की, साथ में आप देखने वाले शुद्धि जो आपके हिंदूज में होती है जिसमें घर वापसी वाली बातें की जाती हैं और कन्वर्ट करने की बात की जाती है, कहीं ना कहीं इसमें मिलिटेंट ओवरटोन था, यहां पर बात ऐसी की जाती थी अपने रिलीजन को आगे रख के, और यहीं से कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को हवा मिलती है। सौरभ दास कैपिटल लिखी है, ये कौन सी किताब बता रहे हो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी प्रवोक किया जा रहा था, वो इवन दो देवर एजुकेटेड बट देवर स्टिल नॉट एबल, देवर नॉट स्टिल गेटिंग द पॉलिटिकल डर्टी गेम ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये जो पॉलिटिकल गेम है ब्रिटिशर्स का, ये वो समझ ही नहीं पा रहे थे, ये आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान का किस तरीके से यूज किया जाता है, पाकिस्तान इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी इन अफगानिस्तान वॉर, इन ईरान वॉर, उससे ज्यादा अमेरिका या यूके के लिए पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस है ही नहीं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान आज भी एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया जाता है, कि अगर लड़ाई करवानी है यूएस को लड़ना है तो यूएस पाकिस्तान से अपना काम करने वाला है,
पाकिस्तान के पास खुद की सॉवरेनिटी भी नहीं है। यूएस के जो आर्मी वाले हैं वो आते हैं यहाँ पर एक मिशन करते हैं, ओसामा बिन लादेन को पकड़ते हैं, वहीं पर न्यूट्रलाइज करते हैं और आप देखने वाले हैं और चले जाते हैं। क्या एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री दूसरे सॉवरेन कंट्री के साथ ऐसा कर सकती है बिना परमिशन लिए, बिना मिशन की इंफॉर्मेशन दिए? तो आप देख रहे हैं इससे पाकिस्तान का जो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्चस्व है, जो उसका स्टैंडिंग है, वो समझ में आ रही है। सीधा सीधा सॉवरेनिटी का उल्लंघन करा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार कुछ भी नहीं बोला। अब हम देखें साइड इफेक्ट, जो आपकी मिलिट्री नेशनलिज्म हुआ उसके साइड इफेक्ट की बात करूं मैं अगर आपसे, तो आप देखेंगे यहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी, जब भी मिलिट्री नेशनलिज्म हुआ तो आप देखने वाले हैं देवी मां, देवी मां की कस्में खा जा रही हैं, शिव शंकर की कस्में खा जा रही हैं, इस तरीके से जो आपके रिलीजियस सिंबल्स हैं, रिलीजियस गॉड्स को हाईलाइट किया जा रहा है। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो आपके मुस्लिम्स हैं वो साइडलाइन कर दिए जाते थे, क्योंकि मुस्लिम्स देवी मां की कसम नहीं खाएंगे, शिवाजी शिव की कसम नहीं खाने वाले। तो यहां एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मुस्लिम्स को इस तरीके से भी साइडलाइन किया जा रहा था, आपकी मिलिटेंट एक्टिविटीज में भी मुस्लिम्स साइडलाइन हो रहे थे। साथ में आप देखेंगे जो आपकी अलग अलग तमाम तरीके की जो आपकी रिएक्शनरी बॉडीज बनेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, चाहे आप आरएसएस की बात करें, बाद में आप देखेंगे हिंदू महासभा भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं आपके, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसी तरीके से चल रही है। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूं सौरभ, आप देखिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान इस तरफ है तो आप दोनों तरफ एक चीज देखिए किस तरीके से चल रहा है। यहां ईरान में अगर कुछ कराना है तो पाकिस्तान के थ्रू करा रहे हैं, अफगानिस्तान में कुछ कराना है तो आप पाकिस्तान के थ्रू करा रहे हैं। अगर यूएसए पाकिस्तान की सुनता है, वो इसीलिए सुनता है क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान के लिए अगर कनेक्शन चाहिए तो वो आपका पाकिस्तान से ही है, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है, ईरान से पहले ही उनके पंगे चल रहे यूएस के, तो उनके पास कुल मिला के एक ही आदमी बचता है जिसका सहयोग ले सकते हैं, वो है आपका पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को इतना झेला जाता है, और कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं एवोल्यूशन कैसे होता है, आपका टू नेशन थ्योरी जो है उसमें एवोल्यूशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था 1887 में जब सर सैयद अहमद खान अपील करते हैं कि मुस्लिम जो है आपके, उनको कहीं ना कहीं जो आपके कांग्रेस है इससे दूर रहना है, कांग्रेस से दूर रहना है, और इसी वजह से आप देखेंगे कुछ मुस्लिम फिर भी आपका कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की तरफ ड्राइव आउट हो रही है। आप देखने वाले हैं 1909 की मैं बात करूं तो सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाता है, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स आ जाएंगे, और मैंने आपसे कहा था ये आपने नींव रख दी है टू नेशन थ्योरी की, यहां से टू नेशन थ्योरी की शुरुआत हो जाएगी। आप देखेंगे उसके आगे 1916 में कांग्रेस जब एक्सेप्ट करता है मुस्लिम लीग का डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यह भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो लीग की मांग है और लीग के लिए एक सेपरेट स्टेट का जो रिकॉग्निशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1928 की मैं बात करूं तो नेहरू रिपोर्ट आती है, जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी जाएगी, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी जाती है तो यहां आप देखने वाले जो मुस्लिम साइडलाइनर्स हैं और जो आपके सिख लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इसको अपोज करते हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स थी वो हमेशा ऐसी थी कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए या फिर हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, और ये चीज ये शुरू से अपने दिमाग में रख के, अपने जहन में रख के ये पूरा जो स्केच है वो बना रहे। अब ये आईएसआईएस कहां से आ गया सौरभ? आगे हम बात करें किस तरीके से नेगोशिएशन जो हो रहे हैं, नेगोशिएटिंग विद मुस्लिम लीग द कांग्रेस मेड अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स। अब यहां देखते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी चीजें वक्त की गलती है, कांग्रेस ने भी बहुत से झंडे गाड़े हैं, कांग्रेस ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जिस वजह से आपका जो टू नेशन थ्योरी है उसको सपोर्ट मिलता था, उसको पुश मिलता था। जो पाकिस्तान की है उसको आईएसआई कहते हैं, आईएसआईएस नहीं कहते हैं, पाकिस्तान की जो आपकी सीक्रेट एजेंट एजेंसी है उसको आईएसआई कहते हैं। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं स्वाति, दे वर नॉट फोर्स्ड, बट कहीं ना कहीं उनको अलग कर दिया ना आपने, वो एक ग्रुप जैसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप सेक्युलर लाइंस पे ये सारी चीजें करें, सेक्युलर प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको भी खराब नहीं लगेगा, आपको भी खराब नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रिलीजियस लाइंस पे ये सारी चीजें करेंगे तो कोई ना कोई जो रिलीजियस आर्डेंट है वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा और उसको वो चीज बुरी लगेगी। राकेश ऐसे तो आपकी जो हिंदू महासभा है उसने भी ऑब्जेक्ट किया था, बात ऑब्जेक्शन की नहीं है, बात है ओवरऑल क्या चल रहा है। कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना 1916 में, जब आपका लखनऊ पैक्ट होता है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब मैं कांग्रेस की बात करूं तो आप देखने वाले हैं किस तरीके से लेजिटिमेसी देते हैं पॉलिटिक्स को, जो आपकी लीग है, लीग हमेशा बात करती थी मुस्लिम्स की और इनकी पॉलिटिक्स को लेजिटिमेसी देने का काम कांग्रेस ही करती। यहां इनको रिकॉग्निशन दिया जाता है कि एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी है और ये सेपरेट कम्युनिटी है, इस तरीके से इनको एक लेजिटिमेशन दिया जा रहा है, रिकॉग्निशन दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि ये सेपरेट कम्युनिटी है और इनका सेपरेट इंटरेस्ट है। आप देखने वाले हैं किस तरीके से
सेक्युलरिज्म की बात नहीं करी जाएगी, सेक्युलरिज्म को अंडरमाइन किया जाएगा, सेक्युलरिज्म की फीलिंग को दबाया जाएगा, और नेशनलिस्ट मुस्लिम जो है वो सेक्युलरिज्म को हमेशा दूसरे सीट पर बिठाता था, सेकंड लाइन में रखता था, फर्स्ट लाइन में उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते थे, उसके रिलीजियस इंटरेस्ट होते थे। आप देखने वाले हैं कंसेशंस टू वन कम्युनिटी, यहां से आपको समझ में आएगा जब एक कम्युनिटी को इतना ज्यादा कंसेशन मिला है तो इस वजह से और सारी चीजें बढ़ी और जो अन्य कम्युनिटी थी वो भी कंसेशंस मांगने लगी। आप एक बच्चे को चॉकलेट देंगे तो बाकी बच्चे भी आपसे कहेंगे कि हमें भी दो ना, हमने क्या बुराई की, सबको बांटते हो, हमको डांटते हो, ये वाली बात आ जाएगी। तो यहां पर कांग्रेस जो कंसेशन दे रही थी उससे सारी कम्युनिटीज ने भी कंसेशन मांगे। आप देखने वाले हैं जब ऑल आउट अटैक होता है तो यहां पर कम्युनलिज्म एक डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन बन जाता है। आपको समझ में आने वाला है कम्युनलिज्म का जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से भी है, अंदर मुस्लिम्स के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके वजह से भी है, ब्रिटिशर्स की वजह से भी है। तो एक कोई पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ये सारी चीजें नहीं है। आप देखेंगे कुछ आपके मुस्लिम ग्रुप्स हैं 1930 और 34 में, आप देखेंगे जमाती, उलेमाए हिंद, स्टेट ऑफ कश्मीर एंड खुदाई खिदमतगार, ये आपके सिविल डिसोबीडिएंट में पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है मुस्लिम्स का वो नहीं रहने वाला। आप देखने वाले तीनों जो आपकी जो भी तमाम आपकी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई इनका होल हार्टेड पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला है। आप देखने वाले कहीं पर भी नो वेयर अटेंडेड ऑल द थ्री ऑफ देम, मुस्लिम्स वाज नोवेयर अटेंडिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वाज मिनिमम। आप किसी भी आप उठा के देख लीजिए रेवोल्यूशन को, किसी भी मूवमेंट को उठा के देखिए, आपको मिलेगा पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स मिनिमम है, कम से कम है। साथ में आप देखें 1932 में जब कम्युनल अवार्ड मिलता है तो आप देखने वाले ऑल मुस्लिम जो है कम्युनल डिमांड्स को 14 पॉइंट्स में कंटेन करते हैं और इसको एक्सेप्ट किया जाता है, कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट किया जाता है पूरे मुस्लिम्स के द्वारा। आपको समझ में आएगा 1937 में मुस्लिम लीग जब बैडली परफॉर्म करता है प्रोविंशियल इलेक्शन में तब क्या होता है, ये रिसॉर्ट करते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की तरफ, और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म को आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैंने क्या बोला था। भाऊ साहिब खराट, हेलो, बताइए मुझे, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि एक्सट्रीम कम्युनलिज्म क्या है। अभी मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कम्युनल नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल कम्युनलिज्म क्या होता है, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। राकेश, सौरभ, जूही, बताएं मुझे फटाफट। बाबू साहेब बताएं, 26 पीपल आर करेंटली वॉचिंग मी, मैं आप सबसे जवाब की अपेक्षा रखता हूं, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है वो क्या होता है। राकेश ने मुझे जवाब दे दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। मैंने आपको बताया है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म को डिफाइन करते हैं, वो आप मुझे बताइए। राकेश ने जवाब दिया, बाकी लोग भी, 24 पीपल आर करेंटली वॉचिंग मी, आप सबको जवाब देना है। बहुत बढ़िया स्वाति, राकेश का जवाब आ गया, स्वाति का जवाब आ गया, वेरी नाइस। बाकी लोग भी जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। सुखचैन सिंह, ओके, स्वाति ने भी जवाब दे दिया, कमलजीत आपका भी जवाब मुझे मिल गया है, ओके, जाकुला, विजय चावला,
बहुत बढ़िया, आप सबने मुझे जवाब दे दिया। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था, एक्सट्रीम कम्युनिज्म रिप्रेजेंट किया जाएगा 1937 से। मैंने आपको बताया था फेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1940 के आसपास आपको यहाँ पर दिखने मिलता है एक्सट्रीम कम्युनिज्म, जहां पर बात की जाती है अगर एक ग्रुप है जिसके डिफरेंट रिलीजियस इंटरेस्ट है, जिसके आपके अलग अलग वेरिएबल इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, तो आप देखने वाले हैं वो साथ में नहीं रह सकते, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर। ये चीज होती है एक्सट्रीम कम्युनिज्म, और यहां पर आपको यही चीज देखने मिलने वाली है 1937 से, और यहां से बदलाव आने लगे। आप देखने वाले हैं किस तरीके से रेडिकलिज्म बढ़ने वाला है, रिएक्शनरी एलिमेंट्स जो आपके सोसाइटी के हैं उनमें बढ़ावा होगा, और आपका कम्युनिज्म को चैनलाइज किया जाएगा। बहुत बढ़िया, ब्रह्मा ने भी जवाब दिया, नेहा ने भी जवाब दे दिया मुझे, सोफिया का भी जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए आप, जो आपका कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके यहां पर आपको समझ में आता है इसने अपने सारे तरीके लगा लिए थे कि कैसे आप नेशनलिज्म को या नेशनलिस्ट को डिवाइड करें, और इस चीज का इसको फायदा भी देखने लगता है जब ये कम्युनल एंगल आता है। आप देखने वाले हैं अर्लियर फेलियर्स होते हैं, ये जो चैलेंज आते हैं आपके कम्युनल टेंडेंसी में, यहां पर आपको फेलियर्स देखने मिलते हैं, लेकिन बाद में एम्बोल्डनमेंट आता है, ये जो आपकी कम्युनल फीलिंग्स है, ये कम्युनल फोर्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 1937 से 39 की बात करें, जिन्ना साहब क्या करते हैं, जिन्ना ब्लॉक्ड ऑल एवेन्यूज फॉर कंसिलेशन, कहीं से भी कहीं तक उनने बात करने की जो रास्ते होते हैं, अपीजमेंट के जो रास्ते होते हैं, सुलह का जो रास्ता होता है, वो सारे बंद करने का प्रयास किया था जिन्ना ने, दो साल 1937 से 39 तक। जिन्ना साहब को आप देखने वाले हैं वो रास्ते ही नहीं रखेंगे आगे बात करने के। यहां पर उन्हें जो भी डिमांड्स होती थी उनको ये मानते ही नहीं थे, और हर जगह से ये अलग करने का प्रयास करते थे डिस्कशंस को, और सुलह की जो भी बात होती थी उसको नकार देते थे। कांग्रेस को ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानने लगे थे, और मुस्लिम लीग को ही मानते थे कि ये मुस्लिम लीग ही जो है वही रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन मुस्लिम्स की। इंडियन मुस्लिम्स की अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी हित करनी है, कोई भी अगर आपका कर्ता धरता है, तो वो मुस्लिम लीग है, ये चीज जिन्ना साहब प्रेजेंट करना चाहते थे। 1940 में जब 24 मार्च को ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करते हैं लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग के, तब भी ये कहीं ना कहीं यही बात रखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखने वाले हैं जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक वर्चुअल वीटो का तरीके से जब मुस्लिम लीग को दे देता है पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, तब भी आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्युलर सिस्टम है, जो ये कम्युनल फीलिंग्स है, ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है, और ये टू नेशन थ्योरी या फिर दो नेशन या फिर पार्टीशन करके ही मानने वाले हैं। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। संडी स्पेलिंग्स पर ध्यान दें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब संकट किसी पे आता है पहले विवेक मर जाता है, भेड़िया की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, इस तरीके की हमने बहुत सारी कहावत सुनी है, लेकिन इनमें से कोई भी कहावत यहाँ पर नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये ना तो कोई संकट था ना तो कोई परेशानी थी, इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखा गया, पर्सनल इंटरेस्ट को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई, और इस वजह से आपका पाकिस्तान फॉर्म होता है। पाकिस्तान फॉर्म होता है तो जिन्ना साहब यही बोलते हैं कि पाकिस्तान बनाने में मैं और मेरा टाइपराइटर ही जिम्मेवार है, और किसी इंसान ने और कोई काम नहीं किया है, मैंने और मेरे टाइपराइटर ने ही ये पाकिस्तान बनाया है। आप देखने वाले हैं इटली, जो इटली की स्टेटमेंट है फरवरी में, आप देखेंगे जो 20 फरवरी 1947 में जो इटली की स्टेटमेंट आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, ये कहते हैं कि 30 जून 1948 तक हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे। इंडियन पॉलिटिशियंस, इवन इफ द इंडियन पॉलिटिशियंस हैड नॉट एग्रीड ऑन द टाइम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्होंने अपना एक संविधान नहीं भी बनाया होगा तो भी हम इसको भारत को छोड़ छाड़ के निकल लेंगे, ये चीज कह देते हैं कि 30 जून 1948 को हम यहां से निकल लेंगे। ब्रिटिश ये भी कहते हैं कि हम पावर को छोड़ देंगे, और यहां पर देखा जाता है ये कहेंगे या तो मैं सेंट्रल, जो आपकी फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए छोड़ दूंगा, या फिर जो पर्टिकुलर आपके एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होने वाली है वहां पर मैं पावर का, जो अभी तक रिप्रेजेंट नहीं करे वहां पर मैं पावर देने की बात करूं। यहां पर आप देखने वाले मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जिनने ज्वाइन नहीं किया था, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ रहा था क्योंकि ये तो अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे। वर्चुअल बीटो मैं बताता हूं कविजीत, वर्चुअल बीटो की बात कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। जब विवेल की टॉक हो रही थी, जिसको हम शिमला टॉक्स कहते हैं, वहां पर बात यह की जा रही थी कि आप कहीं ना कहीं साथ में बैठ के प्रोविंसेस वगैरह के लिए आप एक प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो रहा है उसको हटाने का प्रयास करें और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करें, और वहां कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने के प्रयास में यहां पर जिन्ना मांग रहे थे आपसे कि आपके जो प्रोविंसेस है उनमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो आपके रेसिड्यू सब्जेक्ट्स होते हैं, रेसिड्यू आइटम्स होते हैं, वो भी प्रोविंस के पास होने चाहिए, इस तरीके की बहुत सी मांगे रख रहे थे। इसके अलावा भी आप देखने वाले हैं जिन्ना को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, और जब उनकी मांगे नहीं मानी जा रही तो उनको ये जो पूरा काम है इसको स्टॉप करने में, अबॉर्ट करने में एक वीटो की जरूरत थी,
और ये वीटो आपको वर्चुअल वीटो का कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझाता हूं कि आपको एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया कि मुस्लिम लीग एज ए माइनॉरिटी आपको मैं एक वीटो पावर देता हूं, लेकिन इंटरनली कुछ ऐसा हो जाता है जो वीटो की तरह काम कर देता है। और ऐसे ही हुआ कि बेवेल ने बातें वहीं पर रोक दी। जैसे ही बातें वहां पर रुकी, बेवेल प्लान में जो बेवेल के जो डिस्कशन थे, जैसे वो एक जगह पर स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, आपकी बातों में स्टैग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद से फर्दर टॉक्स नहीं होंगी शिमला टॉक्स। तो ये एक तरीके से वीटो का काम करता है मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग जो चीज नहीं चाह रही थी वो नहीं होती है, इसीलिए इसको वर्चुअल वीटो कहा जाता है। जो गवर्नमेंट है आपका, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट गेव वर्चुअल वीटो टू लीग ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट। तो ये चीज आपको तभी समझ में आती है कि एक कुछ ऐसी चीज हो जाना जो इनडायरेक्टली वीटो की तरह काम कर दे। उसके अलग रीजंस है राकेश, उसके अलग रीजंस है, वो एक साथ नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं, वो एक साथ आप कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। आप चाहे वर्ल्ड वॉर की बात करें या जापानीज की, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि जापानीज, ये तो पता था सरेंडर करेंगे, एटम बम जब गिरा, जब न्यूक्लियर अटैक हुआ उसके बाद ये पता था सरेंडर करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि सरेंडर कब करेंगे। हीरो होते की जब आपकी स्पीच आती है आपके राजा हीरो होते की, तब आप देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ सरेंडर हो रहा है, लेकिन शायद एक दिन आगे एक दिन पीछे भी ये चीज हो सकती थी। यहां पर कोई टाइमली डिस्कशन नहीं हुआ था उस चीज पे कि ये चीज अभी होगी। यहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब देखिए जो ब्रिटिश पावर है या फिर आप देखने वाले जो ऑब्लिगेशंस थी, प्रिंसली स्टेट्स की बात करें जो कि कहीं ना कहीं लैप्स होने वाली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की जा रही थी कि हम जब पावर देंगे तो ब्रिटिश का जो राज था आपके प्रिंसली स्टेट पर वो लैप्स हो जाएगा। यहां पर जो ट्रांसफर है पावर का वो सक्सेसर गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जो ब्रिटिश इंडिया में जो भी सक्सेसर गवर्नमेंट है उसको दे दिया जाएगा। माउंट बैटन है ये रिप्लेस करने वाले हैं बेवेल को, ये भी आपके एटली की स्टेटमेंट में बताया जाता है कि मैं नया वाइसरॉय लेके आने वाला हूं जिसका नाम है माउंट बैटन। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है यहां पर क्लियरली हिंट दी रहती है पार्टीशन की, आपको एटली की स्टेटमेंट में क्लियर पार्टीशन की हिंट मिलेगी। और जो आपके बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री इंटू न्यूमरस स्टेट्स है इसकी बात भी कहीं ना कहीं आपको मिलती है। और यहां कहा जाता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिवर्शन ऑफ द क्रिस्प ऑफर है उसको रिवर्स कर दिया जाता है और आपके माउंट बैटन आते हैं, पार्टीशन की हिंट करी जाती है और इसके साथ बदलाव आएंगे। सक्सेसर गवर्नमेंट को पावर देने की बात की जाएगी, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास जो पावर्स है या उनपे जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है वो लैप्स हो जाएगा। इस तरीके की चीजें होती है। हम देखेंगे वाई अ डेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर विड्रॉल, क्यों उन्होंने कहा कि मैं 1948 में जून में बाहर हो जाऊंगा इस सिस्टम से, क्यों ऐसी बात एटली ने कही, ये चीज हम कल पढ़ने वाले हैं। कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और कल हम इंडिया का इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों कर देंगे, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर के साथ हम कल का लेक्चर खत्म करेंगे। उसके बाद शायद 4 से 5 क्लास और लगेंगी, हमें 4 से 5 क्लास लगेंगी जिसमें हम अलग से बात करेंगे प्रेस वाली, कुछ जो प्रेस के ऊपर शुरू से जो लेजिस्लेशन आई उसकी हम बात करेंगे, काउंसिल एक्ट की हम बात करने वाले हैं। साथ में हम जो अलग अलग रेवोल्यूशन हुई थी, चाहे पीसेंट रिवॉल्ट की बात करें या फिर और भी जो रिवॉल्ट हुए उन सब की बात करेंगे, जो कमीशन आए थे, चाहे आपका ली कमीशन है, हंटर कमीशन है, वुड कमीशन है, इन सब की भी हम बात कर लेंगे। तो आपके लिए जो एमसीक्यूज प्रीलिम्स में बनते हैं उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो आज अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई दुविधा है तो स्वागत है, आप सवाल पूछ लीजिए मुझसे। किसी को भी कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाल्कनाइजेशन ऑफ स्टेट, बाल्कनाइजेशन ये वर्ड आता है बाल्कन स्टेट से। आप देखिए बाल्कन स्टेट जो थी, बाल्कन स्टेट्स आपकी आती हैं कहीं ना कहीं यूरोप के पास, आप देखने वाले हैं लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो आपकी लातविया, एस्टोनिया, ये जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं आप देखने वाले, पहले ओटोमन एम्पायर की एक हिस्सा हुआ करती थी, बाद में जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर टू होता है उसके बाद से आप देखने वाले हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसी को, उस प्रोसेस को, बाल्कन स्टेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम को ही बाल्कनाइजेशन कहते हैं। और यहां पर भी वही बात की जा रही कि आप छोटे छोटे स्टेट्स, एक पर्टिकुलर स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। राज्यलक्ष्मी, यू गाइस विल टेल मी व्हाट शुड बी स्टार्ट आफ्टर स्पेक्ट्रम, दैट इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन, द क्वेश्चन इज ऑन यू, व्हाट शुड बी स्टार्ट, हमें क्या चालू करना चाहिए, ये आप डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम के बाद हमें क्या डिस्कस करना है, हमें क्या पढ़ना है।
देखिए वीटो जैसी बात कहीं आती नहीं है परमेश्वर। आप देखिए वीटो की सिचुएशन कब आती है, आप जब एक ही कंट्री में है तो एक ही कंट्री में वीटो नहीं हो सकता ना। अगर वीटो हो रहा है, वीटो का मतलब होता है कंप्लीट स्टॉप। यहां पर डेलिब्रेशन होती है पार्लियामेंट में भी, आप देखेंगे अगर कोई भी बिल पास होता है तो उसमें डिस्कशन होती है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद बिल पास हो जाता है। कहीं पर भी आपको यह देखने नहीं मिलेगा वीटो का मतलब होता है उसके आगे बात होगी नहीं उस चीज पे। तो ये वीटो वगैरह जब आते हैं, जब आपकी एक बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वीटो काम आते हैं, लेकिन एक सिंगल गवर्नमेंट यूनिट में ये चीजें ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती। ओके अर्चना, मैं इसके ऊपर सोचूंगा ताकि एक टेस्ट सीरीज ला पाए हम प्रीलिम्स के लिए। स्वाति कह रही है वर्ल्ड हिस्ट्री हमें चर्चा करनी चाहिए। राकेश कह रहे हैं लक्ष्मीकांत। चलिए राजलक्ष्मी, आई थिंक ओवर इट, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तैयारी आपकी निरंतर करवाता रहूंगा, मैं आपको बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं। हमारा टारगेट है आईएएस बनना, बनाना आपको आईएएस बनाना मेरा टारगेट है, इसके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी तैयारी में मैं जिस भी प्रकार से सहयोग कर सकता हूं मैं आपका सहयोग करूंगा। ओके जाकुला बता रही है लक्ष्मीकांत, चलिए हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने बहुत से ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम डिस्कस करेंगे उसको, टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करेंगे। ओके हम सोचेंगे, लक्ष्मीकांत पे भी हम ध्यान देंगे अगर होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी रिसेंटली लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही, पॉलिटी चालू है हमारे चैनल पे, स्टडी आईएएस पे लक्ष्मीकांत की सीरीज अभी चल रही है, कंटिन्यू हो रही। राज्यलक्ष्मी हम वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हमें शायद एक दिन में दो घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके हम लगभग आप ये मान के चलिए 15 दिन में हम वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर पाएंगे। वी नीड नियरली 15 डेज फॉर कंप्लीटिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं सोचूंगा इसके बारे में, आई थिंक ओवर इट। या तो लक्ष्मीकांत या वर्ल्ड हिस्ट्री, दो चीजें मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मिल रही हैं, मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, हम ज्यादा से ज्यादा देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर हम लक्ष्मीकांत, दो में से एक चीज ले सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। जी आर्ट एंड कल्चर भी एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, सही कह रहे हैं आप सोफिया, थैंक यू, आपने एक नया आइडिया निकाल दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई, लक्ष्मीकांत भी, और लक्ष्मीकांत के बाद आप एक और बता रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दृष्टिपाल मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लीज कोई शेयर कर दे, हमारी जो लिंक है टेलीग्राम की वो शेयर कर दे। थैंक यू राकेश, थैंक यू। तो यहां पर देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर सकते हैं हम लक्ष्मीकांत की या फिर आर्ट एंड कल्चर की। मैं प्रयास करूंगा कि आर्ट एंड कल्चर जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, ये प्रीलिम्स में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। पेंटिंग से 2018 में एक सवाल आया था आपका, निहाल सिंह जो हमारे पेंटिंग है, किशनगंज जो पेंटिंग होती है, किशनगंज करके एक पेंटिंग हुआ करती है, किशनगंज से संबंधित है निहाल सिंह, इन्हें एक पेंटिंग के बारे में पूछा गया था प्रीलिम्स में, बनी ठनी नाम से, बनी ठनी नाम से पेंटिंग के बारे में पूछा गया था निहाल सिंह के बारे में, जो इनके पेंटर हैं उसके बारे में पूछ लिया गया था कि जो बनी ठनी पेंटिंग है कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। तो हम स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अलग आपकी कन्हेरी की गुफाएं हैं, और भी काले केव्स हैं या फिर नासिक की गुफाएं हैं, गणेश लेनी है, ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू राज मेहता। तो आप दृष्टा आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इश्यूज हैं। थैंक यू राकेश, तो आप इस लिंक को फॉलो करें टेलीग्राम पे, आप सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहां देखिए मैंने आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत और आर्ट एंड कल्चर, तीनों में से मैं कोशिश करूंगा किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैं याद रखूं, तो इनमें से कोई एक चीज हम लेके आएंगे और उसके ऊपर हम आगे अपनी कहानी बढ़ाने वाले। किशनगंज दोनों ही नाम से पॉपुलर है ये, आप देखेंगे राजस्थान स्कूल में आती है, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आती है, बड़ी सुंदर पेंटिंग है बनी ठनी की, इनमें इनकी नुकीली बल्जिंग आउट फ्लावर लाइक आईज है, और फ्लावर लाइक आईज आपको देखने मिलने वाली, इस तरीके की आंखें बनाई गई हैं, काफी सुंदर आंखें बनाई गई हैं बनी ठनी में, फिश लाइक आईज कहते हैं इसको, फिश लाइक आईज बनाई जाती थी।
बनी ठनी पेंटिंग की ये खासियत होती है कि फिश लाइक आईज होती है, किशनगढ़ जो आपकी स्कूल है किशनगढ़ उसमें पर्टिकुलरली। चलिए उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट है सेशन से तो आप उनसे पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है? राकेश आप चिंता ना करें, अगर हम आर्ट एंड कल्चर भी अगर हमने गलती से ले लिया या फिर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री भी ले लिया तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हफ्ते 10 दिन से ज्यादा कुछ नहीं चलाऊंगा इसको, मैं फुल स्पीड में, बिल्कुल आप ये समझिए बुलेट्स ट्रेन की स्पीड से हम कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर हम इसको पढ़ेंगे फिर हमें रिवाइज भी तो करना है, कोई भी चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये चीज आप याद रखें। तो वो आगे का डिस्कशन है, हम उस पर आएंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए तो आज कल सेशन हम यहीं पर समअप करते हैं। ओके राजलक्ष्मी विल थिंक ओवर इट, डोंट वरी। मिशन सक्सेस, जी हां लक्ष्मीकांत के बारे में सोचेंगे, विल ट्राई टू गेट इट। ओके चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समअप करते हैं, आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बिना काम के घर से बाहर ना निकले।